सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ। हमारा ये चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और इस चैप्टर का मैं आपको इस वीडियो में पार्ट फोर्थ कराने वाला हूँ। जो पिछला पार्ट मैंने कराया था थर्ड पार्ट, उसमें मैंने सोचा था कि मैं उसी में इस मैटर को क्लियर करा दूंगा फंक्शन वाले को, बट क्या हुआ, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण मैं उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सका। और जो मुझको उसमें कुछ कराना था, जो बाकी रह गया था, फिर उसे मैं इस पार्ट फोर्थ में लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, पार्ट फोर्थ को देखने से पहले आप पार्ट थर्ड को ज़रूर देख लेना रिलेशंस एंड फंक्शंस के, तो आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं उस वीडियो का जिक्र इसमें नहीं करूँगा, अब मैं सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उसी में करा चुका हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ देखिए कैसे होगा, क्या है ये, देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, ये आपका ए है। बी आपका दिया हुआ है 4 5 6 और 7, ये आपका पार्ट बी दिया हुआ है, इसे लिख लिया जाएगा यहाँ बी। एंड लेट एफ जो इसका फंक्शन है वो क्या है, 1 4 1 के सामने 4 है, 2 के सामने 5 है, 3 के सामने क्या है 6 है, सो दैट एफ इज 1 1। क्या निकालना है, ये 1 1 करना है। तो 1 1 फंक्शन तो ये है ही, जो ये डायग्राम है ये शोज करता है, देखिए द डायग्राम शोज दैट 1 1 फंक्शन की जो पहचान होती है। ये जो अगले वाला जो डायग्राम ये होता है, ये कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है, ये डोमेन। और जो पिछले वाला डायग्राम होता है ये कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, ये कोडोमेन। तो मैं आपको क्लियर करा दूं, तो जो आपका 1 1 फंक्शन होता है उसे हम डायग्राम से भी कर सकते हैं, उसे हम बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो 1 1 फंक्शन मैंने यहाँ डायग्राम से किया है, तो आप लिख सकते हो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग डायग्राम। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ये आपको लिखना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन एलिमेंट्स, देन एफ इज 1 1 फंक्शन। तो देखो, 1 की अपनी अलग इमेज है, 2 की अपनी अलग इमेज है, 3 की अपनी अलग इमेज है, तो सभी एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। केवल डेफिनेशन लिख देनी है आपको ये डायग्राम बना करके। वी नो दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन एलिमेंट्स, दस एफ इज 1 1 फंक्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 3 क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ही करा देता हूँ उनको। सेकंड आपका है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, सेकंड जो क्वेश्चन आपका है ए दिया हुआ है वहाँ पर कितना, चलो मैं इसे पहले आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये ब्लैक बोर्ड हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, जो सेट दिया हुआ है ये आपको, ये सेट है हमारा ए इक्वल टू 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, ये सेट आपको दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो यहाँ ए इक्वल टू 1 -1 2 और 3, ये आपका ए सेट है। उसके बाद में बी सेट आपको दिया हुआ है, बी सेट में क्या दिया हुआ है आपको, बी सेट में दिया हुआ है 4 5 6 और 7, ये आपका बी सेट आपको दिया हुआ है।
बी सेट में वन, ये 14916 है, 14916 है स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक हो गया है इसमें। बी सेट आपका जो है वो क्या है, 14 9 और 16, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ क्या पूछा है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, नोट कर लेना साथ के साथ, बहुत धीरे करा रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एज मैनी वन एंड इन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होगा ये मैनी वन होगा और इन टू होगा। तो देखिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं फिर पहली तरह ही। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे, ये आपका बी हो जाएगा। तो वन माइनस वन टू और ये आपका थ्री, फिर यहाँ पर देखिए वन फोर और फिर यहाँ नाइन और फिर यहाँ आपका 16 हो जाएगा। ये देखिए, तो जब आप यहाँ वन रखोगे तो ये वन ही आएगा, माइनस वन रखोगे तो वन ही आएगा, उसके बाद में आप क्या रखोगे टू रखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। जब आप यहाँ पर थ्री रखोगे तो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये आपको क्या दिखाता है, देखिए वन और माइनस वन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम इमेज रखते हैं। वन तो वन माइनस वन डिफरेंट एलिमेंट्स हैज एट लीस्ट वन इमेज। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये मैनी वन फंक्शन होता है और इन टू फंक्शन जब हमें देखना है तो यहाँ देखिए वन की प्री इमेज आपको दी हुई है, फोर की प्री इमेज आपको दी हुई है और नाइन की प्री इमेज आपको दी हुई है, सिक्सटीन की कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ सिक्सटीन की कोई प्री इमेज नहीं है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द डायग्राम शोज दैट इट इज मैनी वन फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। मैनी वन के लिए आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज सेम इमेज इन द कोडोमेन एलिमेंट्स एंड इट इज आल्सो इन टू फंक्शन बिकॉज वन एलिमेंट 16 हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्या दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हमें, देखिए मैं अभी लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन जो है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स बिलोंग करता है सभी इंटीजर्स से पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इज ए मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम फिर डायग्राम बना लेते हैं मैनी वन फंक्शन के लिए। तो ये आपका जेड है, ये भी आपका जेड है, ब्रैकेट में आप लिख देना डोमेन और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कोडोमेन। इसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीजर्स लीजिए माइनस वन जीरो वन टू एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हो गए। इधर भी आप इंटीजर्स लीजिए माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका फंक्शन है, क्या है ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। अच्छा जब आप यहाँ माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस वन पर क्या आ जाएगा ये जीरो। फिर आप वन रखोगे वन पर क्या आ जाएगा ये टू आ जाएगा। फिर आप जीरो रखोगे जीरो पर क्या आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा। फिर आप टू रखोगे यहाँ पर टू, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा ये यहाँ पर यहाँ आगे ले लीजिए सिक्स, तो ये सिक्स आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है आपका। द डायग्राम शोज दैट इट इज ए मैनी वन फंक्शन। क्यों है ये मैनी वन फंक्शन, क्योंकि देखिए टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, टू डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम इमेज और इनकी अपनी अलग अलग इमेज दी हुई है। क्या होता है मैनी वन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, तो आपको लिखना है द डायग्राम शोज दैट दिस इज ए मैनी वन फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, वन इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स। फिर सुन लीजिए आप क्या लिखोगे इसकी,
मैं आपको फिर बता देता हूँ मेनी वन फंक्शन क्या होता है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, जो अगले वाला होता है डोमेन होता है, पिछले वाला को डोमेन होता है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज एट लीस्ट वन इमेज इन द को डोमेन एलिमेंट्स, दस इट इज मेनी वन फंक्शन, हैंस प्रूव, ये आपका आ जाएगा। इससे आगे देखते हैं हम अपना जो है फोर्थ क्वेश्चन, हम इसका लेकर के चलते हैं, दिया नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या होगा देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है ब्लैक बोर्ड पर ही, मैं आपको करा देता हूँ इसे भी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फोर्थ, देखिए। लेट a इक्वल टू आपका दिया हुआ है -1, 0, 1, ये आपका दिया हुआ है a। एंड f इक्वल टू x इक्वल टू x स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। x बिलोंग करता है इसे, सो दैट f सच दैट a टेंस टू a, मतलब जो अगले वाला डायग्राम बनेगा डोमेन का वो भी a को डिनोट करेगा और जो को डोमेन का बनेगा वो भी a को डिनोट करेगा। क्या है, नाइदर 1, 2, 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1, 1 है और नॉर ये ऑन टू है। देखिए इसमें हम आपको फिर डायग्राम की सहायता से बता देते हैं। तो ये आपका a है, ये भी आपका a है, यहाँ पर देखिए -1, 0, 1। अब x इक्वल टू x स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है -1, 0, 1, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर एक लाइन लिख दिया करो, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग डाइग्राम। उसके बाद में देखिए, अब -1 आप यहाँ रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इस तरीके से, 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा, फिर आपका देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। क्या हुआ, पूछ क्या रहा है ये, नाइदर 1, 2, 1 नॉर ऑन टू। अब ये 1, 1 फंक्शन तो है नहीं, 1, 1 फंक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि -1 और +1 की जो इमेज है वो सेम है और इमेज जो है वो क्या है, 1 है। तो ये 1, 1 फंक्शन तो इस वजह से नहीं है क्योंकि टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट 1, 1 फंक्शन बिकॉज टू एलिमेंट्स -1 एंड 1 हैज सेम इमेज, बट इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। फिर ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका जो ये -1 जो एलिमेंट है ये कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं रखता। फिर आप लिखोगे बट इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज -1 हैज़ नो प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ये आपका दिया हुआ है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x आपको दिया हुआ है। ये एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1, 1 एंड ऑन टू। अब ये जो फंक्शन है ये 1, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सेट आपका रियल नंबर का है तो रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या दिखाना है इसमें, ये 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ सेट रियल नंबर का, यहाँ भी सेट रियल नंबर का, ये डोमेन का सेट होता है, ये को डोमेन का सेट होता है। इसका मतलब रियल नंबर्स आप ले लीजिए। जब आप रियल नंबर्स आप लोगे तो चलो सीधा ले लेता हूँ मैं, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, फिर 6 आ जाएगा इसी डायग्राम में। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो गया स्क्रीन, 6 लिख देना यहाँ। अच्छा अब देखिए, यहाँ x की जगह x की वैल्यू लिखिए, x की जगह आप 0 लिखोगे तो यहाँ भी x की जगह 0 लिखोगे, 0, 0 इसकी इमेज हो जाएगी, ये फंक्शन हो जाएगा आपका एफ एक्स। फिर 1 पर 1 की जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे 2 पर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, फिर 3 पर क्या हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। ये इस तरीके से एरो के निशान आपके लग जाएंगे। क्या करता है ये 1, 1 फंक्शन तो है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 सभी के अपने डिफरेंट इमेजेस हैं। तो आप क्या लिखोगे, द डायग्राम शोज दैट इट इज़ 1, 1 फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेज इन को डोमेन एलिमेंट्स, सो इट इज़ 1, 1 फंक्शन।
इसके बाद में ऑन टू फंक्शन देखिए। अब जब आप ऑन टू फंक्शन इसे दिखाओगे, ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, तब आप कोई भी रियल नंबर लोगे। देखिए यहाँ पर यदि आप यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ले ले तो माइनस वन माइनस टू आप लोगे, तो सभी में देखिए माइनस वन आप यहाँ रखोगे तो यहाँ माइनस टू को करेगा, माइनस टू लोगे तो माइनस फोर को करेगा। तो जो ऑन टू फंक्शन जो आपका होता है, ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक्स टेंस टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज एट लीस्ट वन प्रीइमेज। तो एट लीस्ट क्या रखनी चाहिए, वन प्रीइमेज रखनी चाहिए। तो आप बहुत सारे यहाँ पर आप एलिमेंट्स लोगे तो जो पिछले एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स कोई ना कोई अपनी प्री इमेज ज़रूर यहाँ पर रखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, दस इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए अपने इन क्वेश्चनों पर, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। चलते हैं यहाँ देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एस टेंस टू एस डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल वन ओवर एक्स इज वन वन टू वेयर एस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो ये बाई डेफिनेशन है, ये जो क्वेश्चन किया हुआ है इसने बाई डेफिनेशन। तो बाई डेफिनेशन से मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैंने आपको पहले कहा था कि इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बाई डेफिनेशन भी कर सकते हैं और हम डायग्राम की सहायता से भी हम कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं रिलेशन और फंक्शन में क्वेश्चन करने के, यहाँ फंक्शंस में। तो बाई डेफिनेशन क्या होता है, जब आप वन वन फंक्शन दिखाते हो तो ये फिक्स है, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू एस सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। नाउ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू किया जाएगा, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वन रखा जाएगा और राइट हैंड साइड में आपका क्या रखा जाएगा, एक्स टू आपका रखा जाएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, जैसे ही आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा हैंस बाई डेफिनेशन एफ इज वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू फंक्शन हम दिखाएंगे, ऑन टू फंक्शन हम पीछे से दिखाते हैं, कहाँ से, पीछे से। आपको पता है ना ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज एट लीस्ट वन प्रीइमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो वही सिस्टम है, इसे हम पीछे से मानेंगे, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ एस। तो यहाँ पर ये फिक्स है, देन एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह अब आप एफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी वन ओवर वाई आपकी आ जाएगी, यहाँ पर जो दिखाया गया है क्लियरली, एक्स इक्वल वन अपॉन वाई बिलोंग टू एस, एवरी फोर एवरी वाई बिलोंग टू एस देर एग्जिस्ट एक्स इक्वल वन ओवर वाई बिलोंग टू एस डोमेन। अब क्या करोगे आप, जो एफ एक्स आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो एफ एक्स आपका दिया हुआ है एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वन अपॉन वाई रख देंगे। तो वाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, दस एवरी एलिमेंट्स इन एस हैज ए प्री इमेज इन एस हैंस बाई डेफिनेशन एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर के हम इसमें चलते हैं, फिक्स है या ये भी फिक्स है ये लाइन, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट जो भी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखी जाती है, वहाँ से वाई का मान निकाला जाता है, वाई की वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में रखने के बाद यदि आपका दोबारा एफ एक्स इक्वल टू आपका वाई आ जाता है तो बाई डेफिनेशन ये कैसा फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और मैं इसको फिर बता देता हूँ, वन वन क्या होता है, इसमें ये फिक्स है, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू गिवन सेट हम करते हैं, नाउ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, चाहे कोई भी फंक्शन हो, लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स वन रखते हैं एक्स की जगह, राइट हैंड साइड में हम एक्स टू रखते हैं, फिर वहाँ से उसे सॉल्व करने के बाद एक्स वन इक्वल टू एक्स टू जब आपका आ जाता है तो बाई डेफिनेशन ये वन वन फंक्शन आपका हो जाता है। तो ये ही आपकी जो है बाई डेफिनेशन से वन 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 टू, और पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी ही रहने वाली है, पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे, किसी में हम बाई डेफिनेशन करेंगे, किसी में हम सीधा डायग्राम से कर देंगे, ये आपके जो है इच्छा है कि आप किससे आप कर सकते हो। तो देखिए एग्जांपल सेवन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ सच दैट आर टेंस टू आर रियल नंबर के सेट्स आर ऑन टू। तो ऑन टू आपको दिखाना है, आपको पता है, देखिए यहाँ ध्यान से
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई टू से तो बड़ा ही होगा क्योंकि प्लस में एक्स स्क्वायर है। दी नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, जो क्या है नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होगा नो प्री इमेज, जब कोई प्री इमेज ही नहीं होगी पिछले एलिमेंटों की, जब यहाँ इधर कोई प्री इमेज ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू फंक्शन। सेकंड को देखिए क्या दिया हुआ है, हेयर एफ एक्स इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज रैशनल, माइनस वन इफ़ एक्स इज इरेशनल। तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ आप निकालोगे वन इफ़ एक्स इज रैशनल इरेशनल, रेंज आपकी हो जाएगी माइनस वन टू वन हो जाएगी। दी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, अब देखिए ये एलिमेंट्स आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं भाई, देखो डोमेन वाला अगला होता है और कोडोमेन वाला पिछला आपका जो ये डायग्राम है ये होता है, ठीक है। तो वन एंड माइनस वन हैव नो प्री इमेज, क्या है कोई प्री इमेज आपके नहीं रखेंगे तो ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हो और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, तो वन वन ऑन टू इंजेक्टिविटी वन वन, सब्जेक्टिविटी ऑन टू चेक करना है, तो वन वन ऑन टू आपको चेक करना है। कैसे करोगे, सेट चेंज कर दिए गए हैं एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड सच दैट ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ एफ वन रखोगे भाई, इंटीजर है ले सकते हैं हम वन, तो इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है तो इंटीजर तो लिया जा सकता है ना हमारा, तो वन पर ये वन आ जाएगा, माइनस वन पर वन आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये वन है और ये माइनस वन है, जब हम यहाँ माइनस वन रखेंगे तब भी वन ही आएगा और जब वन रखेंगे तब भी वन ही आएगा, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी, जब सेम इमेज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा नॉट वन वन फंक्शन हो जाएगा, तो नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा ना ये। तो यहाँ देखिए दस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन जेड हैव सेम इमेज इन जेड, हेंस एफ इज नॉट इन इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन कह लो या वन वन कह लो एक ही बात है। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब क्या है देखिए जब ये एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है, आपको पता है भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो क्या होगा दी नेगेटिव इंटीजर्स इन जेड हैव नो प्री इमेज इन द डोमेन एफ इज़ नॉट ए सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन भी आपका नहीं होगा, मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए इसने बाई डेफिनेशन का यूज कर दिया है, ये बाई डेफिनेशन यूज करेगा तो क्या होगा भाई वन वन के लिए, तो लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू एन, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, इम्प्लाइज करके क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा बट आपको दिखाना नहीं है कैंसिल करके, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया, तो ये क्या हुआ हैंस एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, फर्दर टू बिलोंग टू एन भाई दो जो है क्या है कोडोमेन में माना है इसने, किस में माना है कोडोमेन में, पिछले में माना है, इट मीन्स क्या हुआ एक्स क्यूब इक्वल टू इसने टू माना है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा टू की पावर आपकी वन बाई थ्री हो जाएगी, और जो टू की पावर वन बाई थ्री है ये नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, टू की पावर वन बाई थ्री क्या है नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा नाउ प्री इमेज टू आर, जो इसकी प्री इमेज होगी टू की पावर वन बाई थ्री और ये आपका आ जाएगा बट दीज डू नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर हेंस एफ इज़ नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के सेट में एक्स क्यूब दिया हुआ है बाई डेफिनेशन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, क्यूब इक्वल हो जाएगा दिखाना नहीं है कैंसिल करके एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये है। अब आप क्या करोगे इसे, अब आप इसके लिए ऑन टू फंक्शन आप बाई डेफिनेशन हम इसे क्या है प्रूव कर देते हैं, तो क्या करोगे लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी रेलेवेंट ऑफ आर एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स जगह उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली है स्टूडेंट्स ये, इसको हम पुट कर देंगे किस में एफ एक्स में पुट कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल एक्स की जगह वाई की वन बाई थ्री, थ्री से थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ एफ एक्स इक्वल टू आपका उल्टा वाई आ गया, जब सॉल्व करने पर एफ एक्स इक्वल टू वाई आया
हेंस बाई डेफिनेशन एफ इज ए सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर रियल नंबर का सेट डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका हो गया रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में तो सभी संख्याएँ होती हैं जो भी संख्या आप पढ़ते हो, केवल इमेजनरी नंबर्स को छोड़ करके। तो हमने यहाँ माइनस वन रखा, तो एफ माइनस वन आप रखोगे तो ये वन आ जाएगा, फिर आप एफ वन रखोगे तो तब भी आपका ये वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए हमने ये माइनस वन और वन रखा, यहाँ पर ये दोनों पर वन आया, तो इसका और इसका दोनों की सेम इमेज हो गई। जब टू डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं तो क्या वो वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे बाई सोच द डायग्राम इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन बिकॉज टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसने लिखा है वन कॉमा माइनस वन बिलोंग टू आर हैव द सेम इमेज वन बिलोंग टू आर को डोमेन में, दस टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव द सेम इमेज इन को डोमेन एलिमेंट्स एफ इज़ नॉट वन वन फंक्शन। बस समझने का फ़र्क है, बात वही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आपका होता है। जब ये पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दस द नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। भाई जब नेगेटिव नंबर हैं ही नहीं, जब परफेक्ट स्क्वायर आपका दिया हुआ है तो नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता है, तो कोई प्री इमेज नहीं रखेगा, प्री इमेज नहीं रखेगा तो एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 10 आपका, प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टेंस टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वन वन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये वन वन तो है बट नॉट ऑन टू है, तो आप क्या करोगे बाई डेफिनेशन पर आ जाइए, नेचुरल नंबर का सेट है तो ये आपका दिया हुआ लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू एन आपका आ जाएगा, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एक्स वन रखेंगे एक्स की जगह, राइट हैंड साइड में आप एक्स टू रखोगे, इम्प्लाइज करके वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसने दिखाया नहीं है कैंसिल करके। तो एक्स वन अब यहाँ देखिए एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, एक बार नेगेटिव आप लोगे एक्स वन माइनस एक्स टू, एक बार आप पॉजिटिव लोगे एक्स वन प्लस एक्स टू, ये आपका हो जाएगा और ये प्लस में आपका है ही एक्स वन माइनस के एक्स टू। अब आपको क्या लगता है एक्स वन माइनस एक्स टू दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू तो है तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू और प्लस में ये आपका वन आ जाएगा। तो क्या आया आपका एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन, तो यही तो लिखा है इसने इक्वल टू जीरो। अब एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, अब ये क्या है ये जीरो के इक्वल है नहीं, यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, हेंस एफ इज वन वन फंक्शन। अब आप क्या करोगे ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानोगे आप लेट वाई बी एनी आर्बिटरर एलिमेंट्स ऑन एन, तो ये आपका एलिमेंट्स हो जाएगा पीछे से एफ एक्स इक्वल टू वाई आप करोगे, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे उसे वाई के इक्वल रखोगे, यहाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप इसे ऐसे खोलोगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर करोगे वन बाई फोर, वन लाने के लिए प्लस थ्री बाई फोर कर दिया, प्लस टू ए भी आप करोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये क्यों लिखा, यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी वाई माइनस थ्री वाई फोर की पावर वन बाई टू आपका आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू जब आपकी ये है क्या करोगे आप, कंसीडर वन बिलोंग टू नेचुरल नंबर हम कंसीडर करके देखते हैं, इसे वन ले लेते हैं ठीक है, कोडोमेन में वाई की जगह वन, जब आप यहाँ वन रखोगे वन रखने के बाद ही आपका आ जाएगा वन बाई फोर की पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू आएगा ना ये भाई, वन बाई फोर का मतलब हो गया वन बाई टू की पावर टू और वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू ये जीरो नहीं आ गया, पर जो जीरो होता है ये नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अब ये जीरो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, कैसा फंक्शन हो जाएगा
नॉट ऑन टू फंक्शन। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो है 11th क्वेश्चन, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ना तो ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है। वन वन तो ये इस वजह से नहीं होगा क्योंकि टू और माइनस टू जब आप इसमें रखोगे तो वो टू ही आएगा। भाई देखिए माइनस टू और टू जब हम इस मॉडुलस फंक्शन में रखेंगे तो ये टू आएगा। नेगेटिव का मॉडुलस ही पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का मॉडुलस ही पॉजिटिव ही होता है। तो ये नाइदर वन वन तो इस वजह से है नॉर ऑन टू। देखिए केवल डेफिनेशन लिख दिया इसने, कंसिडर टू माइनस टू बिलोंग टू आर क्लियरली एफ टू इक्वल टू टू एफ माइनस टू इक्वल टू टू आएगा। इमेज ऑफ बॉथ टू एंड माइनस टू इज टू, इमेज सेम हो गई। दस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन आर हैव द सेम इमेज इन आर, हेंस एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। इसके बाद में ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए क्लियरली कहता है ये क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू मॉडल्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भाई जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो नेगेटिव नंबर्स की तो कोई प्रीमेज होगी नहीं, पहले वाली बात है। रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ आल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दस द नेगेटिव रियल नंबर्स इन आर हैव नो प्रीमेज, कोई प्रीमेज नहीं है। जब इनकी कोई प्रीमेज नहीं है तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपका 12, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फोर आल एक्स बिलोंग टू आर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन। अब देखिए वन वन तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि कॉस जीरो आपका वन होता है। कॉस जीरो क्या होता है आपका वन होता है, और कॉस पाई भी आप टू पाई भी आपका क्या होता है वन होता है। देखिए कॉस जीरो वन, कॉस टू पाई आपका वन। तो अब जीरो पर और टू पाई पर सेम इमेज हो गई तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन। इससे आगे चलते हैं फर्दर, अब ऑन टू फंक्शन पर हम चलते हैं। ऑन टू फंक्शन पर जब आप चलोगे क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ माइनस वन टू वन, इसकी जो रेंज होती है कॉस की वो माइनस वन टू वन होती है। दी एलिमेंट्स इन आर बिलोंग आर माइनस माइनस वन कॉमा वन हैव नो प्रीमेज, भाई माइनस वन और वन को छोड़ करके इसकी और कोई प्रीमेज नहीं होगी, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये है आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपका क्या दिया, सो दैट दी सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई, ये सिग्नम फंक्शन आपका होता है वन जीरो माइनस वन। इसके सभी के क्या हैं, ये नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ये ग्रेटर देन जीरो के लिए है, इक्वल टू जीरो के लिए, लेस देन जीरो के लिए है। तो ये आपका आ चुका है एफ वन वन है, एफ टू भी आपका वन है। अब ये तो आपका क्लियर हो चुका है ना, एफ माइनस वन माइनस वन है, एफ माइनस टू आपका माइनस वन है। भाई टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, तो ये देखिए वी ऑब्जर्व दैट टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज इन द कोडोमेन, एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। आल्सो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ये हुआ आपका माइनस वन जीरो वन, इनको छोड़ करके इसकी और कोई प्रीमेज नहीं होगी तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। वही बात इसने लिखी है, दी एलिमेंट्स इन आर कोडोमेन अदर देन माइनस वन जीरो वन हैव नो प्रीमेज, भाई इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ करके इसकी कोई प्रीमेज होगी नहीं, इस वजह से नॉर ऑन टू फंक्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाई डेफिनेशन करना है, बड़ा ही सिंपल है। एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स सो दैट एफ इज ए बिजेक्टिव फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा बिजेक्टिव। बिजेक्टिव फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको नहीं छोड़ना है, और अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, चाहे वो प्लस टू प्लस वन का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या CBSE हो या कोई भी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। बिजेक्टिव फंक्शन दिखाना है तो बाई डेफिनेशन वन वन दिखाओगे, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू जेड, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वन रखेंगे, राइट हैंड साइड में एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, परंतु आपको दिखाना नहीं है कैंसिल करके, सीधा लिखते रहा एम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो एफ एज क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगेन लेट वाई बी एनी आर्बिटर एलिमेंट्स ऑफ जेड, तो ये आपका क्या है आर्बिटर एलिमेंट्स ऑफ जेड हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस वाई। अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स, तो एफ एक्स में आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस इन टू माइनस
माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो f माइनस वाई इक्वल टू क्या आया आपका, x आया। अब ये जो माइनस एक्स है ये किसकी जगह रखा था हमने, x की जगह, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका y। तो जब एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो ये कैसा फंक्शन बन गया, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, जब ये वन वन भी है ऑन टू भी है तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस f बींग वन वन एंड ऑन टू इज ए बिजेक्टिव फंक्शन, तो ये आपका एक बिजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है, सो दैट दी फंक्शन f सच दैट r टेंस टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए कॉमा बी बिलोंग टू r ए नॉट इक्वल टू जीरो इज ए बिजेक्टिव फंक्शन, ये आपका एक बिजेक्टिव फंक्शन होगा। पहले इसे बाई डेफिनेशन वन वन की डेफिनेशन लगाएंगे, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू r, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x1 रखेंगे, राइट हैंड साइड में x की जगह आप x2 रखोगे। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, बट आपको ये दिखाना नहीं है कैंसिल करके, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, बस आप इम्प्लाइज करते चले जाइए और अपने माइंड में इसे सॉल्व करते चले जाइए क्वेश्चन को। फिर ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपको नहीं दिखाना है, फिर आपको इम्प्लाइज करना है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू जैसे ही आपका आएगा तो सो f इज वन वन बाई डेफिनेशन, तो ये वन वन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑन टू करना है, ऑन टू करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पीछे से माना जाता है, लेट वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को एफ एक्स में रखा जाएगा, इसे सॉल्व किया जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये आपकी एक्स की ही वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका आ चुका है, जो एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका आ चुका है, तो एवरी एलिमेंट्स इन द को डोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन, एफ इज ऑन टू, हेंस एफ बीइंग वन वन एंड ऑन टू इज ए बिजेक्टिव फंक्शन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा, सेम स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, 17 जो है आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती तो मैं आपको बता देता। इससे आगे देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो स्टेट वेदर दी फंक्शन इज ए बिजेक्टिव और नॉट, तो ये बिजेक्टिव और नॉट आपको बताना है। फिर वही बात है, रियल नंबर के सेट हैं दोनों, जब दोनों रियल नंबर के सेट आपके हैं बाई डेफिनेशन, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा तो वन वन हो जाएगा। फिर लेट वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑन आर, एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर एफ एक्स में आप रखोगे तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका आ जाएगा, तो ये वन वन ऑन टू हो जाएगा, तो ये आपका बिजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए आप ध्यान से, जो सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है वो आर टेंस टू आर वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसमें एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ एफ वन रखेंगे, क्योंकि वन जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, टू आ जाएगा, फिर आप माइनस वन रखोगे तब भी आपका टू आएगा, देखना ध्यान से, माइनस वन और वन, माइनस वन पर ये आपका टू आया, और आपका ये जो है वन पर भी आपका ये क्या आया, टू आया, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, तो नॉट वन वन फंक्शन हो जाएगा। जब ये नॉट वन वन फंक्शन है तो ऑब्जेक्टिव तो अब होने वाला नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, नॉट वन वन फंक्शन, इसके बाद में दस द रियल नंबर्स लेस देन वन इन को डोमेन हैव नो प्री इमेज इन द डोमेन, एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ना तो ये वन वन है ना ये ऑन टू है, हेंस एफ इज़ नॉट ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये आपका प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आपका जो 19 है उसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट दी फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई, देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा ये टफ भी है, टफ फंक्शन भी है ये, मतलब जो क्वेश्चन है बच्चे इसे कई बार भूल जाते हैं, तो ये बिजेक्टिव फंक्शन है। तो एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू आर, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x1, राइट हैंड साइड में x2 रखोगे, तो सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाया है, तो x1 माइनस x2, x1 है ये, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो जब आप करोगे
तो ये तो नॉट इक्वल टू आपका जो है जीरो हो जाएगा। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो चुका है, तो एफ इज वन वन फंक्शन हो चुका है। इसके बाद में आप ऑन टू फंक्शन दिखाओगे इसे, अगेन लेट वाई बी एनी आर्बिटर एलिमेंट्स ऑन आर, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई के इक्वल आप मानोगे, तो आप इसको वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे। ये आपको नोट करना है यहाँ पर, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो होती है विच इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री थ्री, जिस इक्वेशन की डिग्री थ्री होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री थ्री होती है उसका क्या होता है, वी नो दैट एन ऑड डिग्री इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट्स, तो उसका एक रियल रूट ज़रूर होता है। दस फोर आल वाई बिलोंग टू आर कोडोमेन, तो एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो हैज ए रूट से, तो यहाँ पर इसका एक रियल रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की जगह, के क्यू प्लस के माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर के क्यू प्लस के इक्वल टू वाई, तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। दस एवरी एलिमेंट्स इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स, तो एफ आपका ऑन टू हो जाएगा, तो ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, तो ये आपका बिजेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम आपको बताते हैं अपना ये क्वेश्चन, एफ सच दैट आर टेंस टू डिफाइंड वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन वाई थ्री, प्रूव दैट एफ इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, वन वन दिखाओगे बाई डेफिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा। एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू आर, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे, राइट हैंड साइड में एक्स की जगह एक्स टू रखा जाएगा। सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, बट आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, टू से टू हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एफ इज वन वन हो जाएगा। फिर आप लेट वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑन ऑफ आर, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखोगे, फिर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू जो आपकी निकलेगी उसे एफ एक्स में रखा जाएगा। रखने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर रखने के बाद में देखिए यहाँ आपका क्या होगा, टू से टू कैंसिल होगा, वन से वन कैंसिल होगा, थ्री से आपका थ्री कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये आपकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका आ जाएगा। तो जब ये एफ एक्स इक्वल टू आपका वाई आ चुका है, तो एफ इज ऑन टू फंक्शन, हेंस एफ बीइंग इज वन वन एंड ऑन टू इज ए बिजेक्टिव फंक्शन, तो ये आपका बिजेक्टिव हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ पर आपके जो ये वन वन ऑन टू बिजेक्टिव फंक्शन, मेनी वन एंड टू और जो भी कुछ फंक्शन थे मैंने आपको सारे कुछ कराए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल एक ऐसा चैनल है जो हर उस मैटर को पूरा लेकर के चलता है, हर चैप्टर को पूरा लेकर के चलता है, 100% अपनी देने की कोशिश करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स पीछे के लिए नहीं छोड़ता है। तो इस वजह से हमारा चैनल कुछ चैनलों से अलग है, क्योंकि हम अपनी तरफ से प्रयास तो सभी करते हैं, परंतु हम इतना प्रयास ज़रूर करते हैं एक्स्ट्रा में कि हम सोचते हैं कि चैप्टर की कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।